अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ असलम और आप देख रहे हैं वेस्ट इंडियन चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक व्हाट्सअप की नई ट्रिक, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप अपने दोस्त मैसेज करता है और आप उसका मैसेज पढ़ लेते हैं और आपके दोस्त के पास ब्लू टिक का निशान आ जाता है तो आप अपने दोस्त को मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, या वो आपको कोई काम करता है तो वो आप काम नहीं करते, ठीक है, उसका तो बाद में मुलाकात होती है तो आपकी उससे लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्त का मैसेज पढ़ भी लें और उसको पता भी ना चले कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है या रीड कर लिया है, ताकि उसको उसके पास ब्लू टिक का निशान ना आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ। उससे पहले जिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों तो चलते हैं वीडियो की जानिब, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे दो व्हाट्सअप आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है, एक व्हाट्सअप मैसेंजर है और एक व्हाट्सअप क्लोन है, ठीक है, ये वाला व्हाट्सअप क्लोन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं, ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सअप क्लोन में चले जाते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप क्लोन में भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप मैसेंजर में मिल जाएगा, व्हाट्सअप बिजनेस में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं मैसेज सेंड करता हूँ एक, ये ठीक है, इमोजी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, आसानी के लिए आपकी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से सेंड होने में ये थोड़ा टाइम लेगा नेट प्रॉब्लम की वजह से, तो अभी मैसेज यहाँ से तो एक हो चुका है, ठीक है। तो अभी चलते हैं दूसरे मैसेंजर पे, तो अभी ये मैसेज यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज पहुँच चुका है, तो यहाँ पर ये मैसेज मैंने रीड कर लिया, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्लू टिक का निशान शो हो गया कि मैसेज आपने, आपके दोस्त ने या आपने अपने दोस्त का पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इस सेटिंग को आपने कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बैक आ जाते हैं, ठीक है। तो बैक आने के बाद 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको पहले नंबर पर अकाउंट की सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेना है, यहाँ पर पहले नंबर पर प्राइवेसी है, प्राइवेसी को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आ जाना है आपको ट्वीट मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपने डिसेबल कर देना, ठीक है, ये पहले अनेबल होता है तो आपने इसको डिसेबल कर देना है। अब बैक आ जाना है, ठीक है। तो अब जैसे कि, ठीक है, यहाँ पर हम दूसरे व्हाट्सएप पे आ गए। अब दूसरे व्हाट्सएप से ये नहीं गए, इसको मैं टैग करके तो अब यहाँ पर ये इमोजी डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब ये इमोजी मैंने डाल दी है, यहाँ से सेंड कर दी है वापस, ठीक है। तो अब आ जाते हैं दूसरे व्हाट्सएप पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैसेज पहुँच चुका है। तो अब इसको मैं टैग करके जब ये मैं, ठीक है, यहाँ पर ये इमोजी डाला, ठीक है, तो ये मैसेज तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है, इसके साथ मैंने टैग भी कर दिया, सही है। अब जो है ना, अब दूसरे व्हाट्सएप पे, पहले वाले व्हाट्सएप पे अब आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे में। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने जिस मैसेज को टैग करके भेजा था उस व्हाट्सएप, दूसरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला मैसेज शो कर रहा है कि इसको मैंने देख लिया है, जबकि यहाँ पर वाइट टिक आ रहा है, ठीक है, कि मैसेज आपका अभी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये आपके दोस्त को पता भी नहीं चलेगा कि यार आपके दोस्त ने, यानी कि, यानी आपने इस मैसेज को कब पढ़ा, कैसे पढ़ा, ठीक है। वैसे तो आप जब मैसेज सेंड करते हैं तो यहाँ पर जब मैसेज आप सेंड करते हैं तो आपका दोस्त देखता है या आप दोस्त का मैसेज देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है कि 5 मिनट अगो आपने, आपका मैसेज जो है ना आपके दोस्त के पास पहुँचा, और यहाँ पर रीड पे आ जाता है कि 4 मिनट पहले, यानी कि उसने मैसेज देखा है, यानी कि 1 मिनट के बाद उसने, आपके दोस्त ने मैसेज देख लिया, सही है। तो ये सेटिंग अगर आपको समझ नहीं आती तो आप दोबारा वीडियो बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।